राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लेके हैं 7 जून 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। किसानों के मुद्दे पर पहले गिरी कंगना, रोपेड में माफी मांगकर हुई थी रवाना, आज महिला जवान ने मारा थप्पड़। भाजपा के 4 सांसदों में से एक को मिल सकता है केंद्रीय मंत्री का पद। निक्षय पोर्टल बंद, टीबी मरीजों का नहीं मिल रहा है ब्यौरा। इग्नू की परीक्षा आज से, प्रदेश में बनाए 38 परीक्षा केंद्र। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामकरण 31 जुलाई तक। नंबरदारों के रिक्त पदों को भरा जाए, लक्ष्मण यादव। एमडीयू में नए कोर्स, बढ़ी हुई फीस के विरोध में प्रदर्शन। हरियाणा में 35 साल बाद कांग्रेस को वोट से सबसे उच्चतम स्तर पर, 1989 में मिला था 46%। पूर्व सीएम मनोहर लाल को संगठन में मिल सकती है जिम्मेदारी। अलमत मामले में विधानसभा को भंग कराने में जुटी कांग्रेस। दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप, विधायकों संघ बैठक के बाद पार्टी का बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल से दिखाई देगा असर। इन लोगों की धुंधलाती सियासी नज़र, कभी पार्टी को चलता था सिक्का, आज 100 से अधिक बूथों पर नहीं मिला एक भी वोट। T20 विश्व कप में 2024 का पहला बड़ा उलटफेर, अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया। हरियाणा कांग्रेस चुनाव खत्म होने के बाद गुटबाजी, 4 सांसदों संग दिल्ली पहुंचे हुड्डा, शैलजा नहीं आई, नामकरण प्रचार में भी दूरी दिखी। हरियाणा में हार पर कांग्रेस में घमासान, कैप्टन बोले राज बब्बर की जगह में लड़ता तो राव इंद्रजीत को 1,00,000 वोटों से हराता। तो ये थी प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लिख के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।